बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में मैं और अहमद साहब कहाँ पर आए हैं, हम आपको दिखाएंगे। क्या नाम है, हम रॉयल स्विस होटल लाहौर के एक फाइव स्टार होटल नंबर है, वहाँ पर आए हैं। और हम आए क्यों हैं, उसका रीज़न ये है कि अहमद साहब ने अपने जो निंजा बाइक ली है उसकी एक छोटी सी हमने कहा पार्टी करते हैं, तो वो पार्टी करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और हम आपको एंट्रेंस भी दिखाएंगे कि यहाँ पर एंट्री कैसे होते हैं, फिर आपको ये भी दिखाएंगे कि हाईटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं और हमने क्या क्या ट्राई करने वाले हैं आज, वो सारी की सारी चीज़ें हम आपको दिखाएँगे। अहमद साहब की फेवरेट चीज़ें भी ट्राई करेंगे, मेरी फेवरेट चीज़ें भी करेंगे इंशाल्लाह ट्राई जाकर। सबसे पहले तो मैं जाते साथ ही सूप पर अपना दावा बोलने वाली हूँ। चले फिर मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ वहाँ पर। चलें स्टार्ट करते हैं फिर आज का व्लॉग एंड देखते हैं आज का व्लॉग कैसा जाता है। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलना आपने। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एक नया रेस्टोरेंट होटल एक्चुअली नया खुला लाहौर में कुछ अर्सा पहले, और हमने कहा चले वो ट्राई करते हैं। एंड इट सीम्स लाइक फाइव स्टार होटल, अभी जाके हम देखें। इट इज़ फाइव स्टार होटल, मेरे ख्याल से फर्स्ट फाइव स्टार होटल इन पाकिस्तान नियर एयरपोर्ट। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं, तो जाते हैं और देखते हैं कैसा होटल है, अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या फूड कैसा है। निंजा जो है वो सबको बहुत पसंद आ रही है माशाल्लाह, अहमद साहब का अल्लाह बहुत बहुत नसीब करे। तो ये गाइस, दिस इज द लोकेशन वी वर टॉकिंग अबाउट। पहुंच चुके हैं द रॉयल स्विस होटल, काफ़ी लोग जानते भी होंगे इसके बारे में, और बट हम पहली दफ़ा जा रहे हैं तो देखते हैं कैसा रहता है फर्स्ट एक्सपीरियंस। देखने में तो बहुत अमेजिंग है एंड फाइव स्टार मुझे लगता था कि नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान में आई डोंट थिंक सो कोई फाइव स्टार है, फोर स्टार है, पर ये फाइव स्टार है कहते हैं। तो लेट्स जस्ट सी, जाके देखते हैं कि जो हमने बाहर फाइव स्टार विजिट किए हैं उनसे मिलता जुलता है कि नहीं। वो बस आप करवाने लगे हैं क्या नाम है सिक्योरिटी चेक, और यहाँ पर है इनकी एंट्रेंस, और यहाँ से हम होंगे एंटर और एग्जिट होंगे वो दूसरे साइड पे जिधर से अभी हम आए और आप लोगों को दिखाया था कि उधर से आप जस्ट बिकॉज ये एयरपोर्ट के पास है तो सिक्योरिटी उतनी ही हाई है, और एयरपोर्ट एयरपोर्ट पे पास होने का मतलब ये है कि जिसने सिर्फ मीटिंग के लिए आना है लाहौर में वो आए स्टे करे, एयरपोर्ट से उतरे यहाँ पे मीटिंग करे स्टे करे, वेल लेट्स गो बैक। इनकी पार्किंग का ले जी, यहाँ से हम गाड़ी हैंड ओवर करेंगे वैली को। हो गए साथ ही लॉबी है, लॉबी के बाद यहाँ पर ये सारा बुफे वगैरह है, हम लोग जा रहे हैं हाईटी के लिए। मैं पूछती हूँ कि हाईटी मुझे लगता है सामने वाले फेस लुक्स रियली गुड है। तो ये हम आगे साहब बैठे हुए हैं रिलैक्स होकर, हम सब चले उन्हें कुछ नहीं खाने के लिए होगा कि नहीं। और अहमद साहब जा रहे हैं हाईटी में, अब क्या क्या यहाँ पर हाईटी में मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ सारा जाकर। तो अभी उनके मैनेजर से हमने बात की है, वो हम आपको इस दफ़ा नहीं दिखा सकेंगे, लेकिन ये देखें यहाँ पे सारे डेजर्ट्स वगैरह रखे हुए हैं, तो हर तरह के अहमद साहब के फेवरेट कस्टर्ड।
आई गेस मैडम से वेट नहीं हो पा रहा है एंड स्टार्टेड ओवर ही है लुक मैं इनके लिए जूस लेकर आई थी हाउ अनप्रोफेशनलिज्म इज इट तो इन्होंने कहा कि नहीं मुझे भी लेने तो अभी हाइट ही होगी स्टार्ट में मैं लेने लगी हूं तो एम सब्स स्पोंसर है ना आपने इनको नहीं पसंद गुलाब जामुन हॉट एंड सोर सूप और मैं वो लेने लगी हूँ ऑल टाइम माई फेवरेट लास्ट लोग ने आपने देखा होगा कि ऑलवेज प्रेफर गोइंग फॉर द सूप अगर इज समर और विंटर व्हाटएवर द सीजन इज यू वांट टू गो फॉर द सूप सो इट्स माय फर्स्ट प्रायोरिटी तो मैं हम सब ने सूप लेने लगी हूँ आप तो नहीं लेंगे ना ऑब्वियसली हमेशा की तरह बस एक दोस्त को नहीं लेने होते हैं ज़्यादा नहीं लेते ये देखें हो गया ये देखिए जरा एक स्कूप एक दो स्कूप आप एक दो स्कूप से मार दिया चेक करें ये नहीं काम मैं तो ज्यादा पीती हूं मैं तो एक बॉल और भी लेने वाली हूं जो मैं कैमरे में नहीं दिखाऊंगी ये मैं डाल रही हूं इसमें चिकन चिल्ली वगैरह और सब कुछ ये मैंने ले लिया स्पून चलो रख के ना आया आप चला रहे हैं ये है समोसा मिनी समोसा ठीक है वो स्वाइप करेगी वहाँ पे घूम रही है पहले भी घूम रही थी कोई बात नहीं अभी तो नॉर्मल चीज़ें खा रहे हैं जो इनके चीज मेन चीज़ें खाएंगे तो फिर देखते हैं क्या टेस्ट नहीं करता क्या नहीं यू नो से अच्छा है और वैसे सिटी भी बहुत अच्छी आपको लग रहा है ना ऐसे आउट ऑफ कंट्री में दी एनवायरनमेंट इज गुड एटमॉस्फेयर इज गुड एंड स्टाफ यस 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 सूप वगैरह
वगैरह सब बहुत अच्छा है. स्टार्टर जितना भी हम लोगों ने ट्राई किया वो भी बहुत अच्छा है. जो लोगों को शौक है क्या नाम है लग्जरी जगहों को स्पॉट करने का जाते हैं लोग, तो वो लोगों को यहाँ पे मस्ट आना चाहिए. मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर. एम साहब भी बहुत अच्छा लगा. और सबसे अच्छी बात यह कि एम साहब को लोग पहचानते भी हैं यहाँ पे. अक्सर लोग इनके ना वो आपको पता है बाइक उनको तो हर किसी को हैवी बाइक्स का शौक होता है. तो अभी आते साथ ही मैनेजर मिला तो वो कह रहा था कि सर आप अच्छे से वीडियो प्लीज़ बनाइएगा क्योंकि हम आपके देखते हैं. और नहीं हमें वो व्लॉग में लेना चाहिए था जब उसने आपको मुबारकबाद दी थी बाइक की. एक्चुअली सीन पता क्या है, जब ऐसे सीन हो रहे होते हैं ना जो मुझे शॉर्ट में चाहिए होते हैं वो कैमरा ऑन नहीं होता या पास नहीं होता या ऑन नहीं होता. गोल गप्पे जिन्हें पानीपुरी भी कहते हैं, गोल गप्पे खाइए गरम है क्योंकि मैं ज़्यादा गर्म चीज़ें खाता नहीं हूँ. पूरी दुबई में फाइव स्टार लोग आए सैलेड काउंटर के ऊपर और मैं लेने लगी हूँ सैलेड और कुछ सैंडविचेस वगैरह बर्गर वगैरह भी हैं यहाँ पे. रेड पास्ता भी है, वो ऑब्वियसली हम नहीं लेंगे क्योंकि अभी हमने वाइट पास्ता खाया है. लेकिन ये वाली सैलेड मैं लेती हूँ थोड़ी सी आप लोगों को ट्राई करवाने के लिए, सिर्फ टेस्ट करके बताने के लिए. ये नहीं लूँगी अक्सर, इसके अंदर वो है या पीक वो है मटर एंड मटर नहीं सर आलू एंड मटर. चलिए मैं थोड़ा सा बस आपके उस पे कहने पे थोड़ा सा ले लेते हैं. पर ये सेम थिंग है ना, ये जो पहले लिया है इसका सेम थिंग ना. हाँ दिस वन इज नाइस. और उसके बाद वो अच्छा. और ये सैलेड वो वाला है कचुंबर वाला सर ओके. और ये भी एक सैलेड है सर. और इसके बाद ये उसकी है उसको क्या कहते हैं सर जो फोन बनाता है उसको पता नहीं क्या कहते हैं. और ये साथ में थोड़ा सा मैं जूस स्मॉल लेने लगी हूँ ऑरेंज. और आगे पाइन एप्पल है और वो पता नहीं कौन सा है सर. और इसको चुकंदर कहते हैं सर, मैं याद आ गया चुकंदर ब्रेड वाला. और ये ले रहे हैं सर हाँ सर थोड़ा सा अच्छा. यहाँ पे आके मज़े की बात पता क्या आती है, यहाँ पे लोग कहते हैं कि अगर फील करना है ना तो अच्छी तरह से फील किया जाए, जो कि हम कर नहीं पाते. हम कहते हैं थोड़ा थोड़ा लेके खाते रहते हैं, पर जब मैं दोस्तों के साथ आता हूँ तो आई नो कि कैसे फील किया जाता है और कैसे कैसे वो क्या कहते हैं उसको माउंटेन बनाया जाता है. तो अब सिर्फ आप जगह इंजॉय करने आई है, खाना खाने नहीं आई सेलिब्रेशन से सेलिब्रेट किया जाए. और ये आगे हम सब दिखाते हैं ये सारे क्या नाम है फ्रूट चाट लाइक रमजान आगे और कपड़े एंड पानी पानी. और ये सही बोल रहे हैं हाँ. और ये ऊपर सैंडविच भी लेंगे ऐसा भी लेना. नहीं नहीं फ्रूट चाट फ्रूट चाट नहीं नहीं. सीन ये है कि हम बड़े अच्छे टाइम पे आ गए और बड़े इजीली हमने सारी चीज़ें देखी हैं क्योंकि चेक इट आउट द रश ऑफ द पीपल. बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं, चीज़ें लेना उतनी मुश्किल हो गई है. बट स्टिल आई थिंक वी मेड हमें लगा था कि हम लेट जा रहे हैं, बट आई गेस वी मेड इट ऑन अ टाइम फॉर द टाइम विच इज़ रियली गुड. लाइक आई इट्स मिडल ऑफ द हाइटी एंड ऑलमोस्ट हाफ चीज़ें टेस्ट कर चुके हैं. एंड द टेस्ट एटमोसफेयर जैसे मैंने पहले बताया इट्स रियली गुड. वी लव इन इट, लव इन द टेस्ट, लव इन द फूड एंड यस ट्राइंग ईट एज मच एज पॉसिबल वी कैन एज ऑलवेज. बट ये है कि ब्लॉगिंग करते हुए आप खाना नहीं इतना अच्छा खा सकते. तो यस एज ऑलवेज हम वही ट्राई कर रहे हैं जो आपको दिखा सकें. और चीज़ें बहुत सी हैं पर खाने के लिए इतनी जगह नहीं होती.
ये हमें सब सारी स्वीट्स लेकर आए हैं, तो अब स्वीट का टाइम है, खाने के बाद मीठा तो कुछ होना चाहिए। तो अहमद साहब जिससे कह रहे डेजर्ट, कह रहे हैं कि डेजर्ट सफारी का टाइम हो रहा है, तो मैंने चले अब स्वीट में चेक करते हैं क्या क्या लाया। मुझे ऐसा ये जो परपरा चीज़ है ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, तो मैं इसे ट्राई करती हूँ। हाँ खीर है, मुझे लगता है उसमें कलर डाल दिया हुआ है इतना। और ये मेरा फेवरेट है खीर, वो मैं हर पसंद आए। ये चीज़ केक भी हमें साहब को पसंद आएगा। सब में से यही टेस्टी लग रहा है, सब है सब ट्राई करेंगे। तो अच्छी चीज़ जो है वो मुझे लग रही है, मुझे लग रही है थोड़ा सा प्लीज उठा बोलिए केक प्लस आइसक्रीम आई जस्ट कुछ दे सकता हूँ। हाँ ठीक है कि आप इट्स लुक लाइक कि खीर है और उसमें कलर चेंज कर दिया कुछ इंग्रीडियंट्स आ गए, तो केक इज़ गुड। दिस वन इज माय फेवरेट और आई नो कि केक वैसे ही बड़ा डिलीशियस किस्म का होता है। चॉकलेट गाइज, आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का अच्छा व्लॉग लगा, अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा और अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद हम इस तरह की लग्जरी प्लेसेस पर आप लोगों को लेकर जाएं, इस तरह के मज़े मज़े के खाने आप लोगों को दिखाएं, इस तरह के मज़े मज़े की प्लेसेस आप लोगों को दिखाएं, तो आपको करना क्या है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपके एक सेकेंड लगता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, उससे हमें ये होता है कि बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि हमारी फैमिली दिन ब दिन बढ़ रही है। और अहमद साहब को एक दफ़ा फिर कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर निंजा अहमद साहब, थैंक यू फॉर यू अल्लाह। हाँ, जो आप इतने इनबॉक्स और इंस्टाग्राम पे इतने मैसेजेस, आप सब मुझे दुआएं दें कि अल्लाह करे कि H2R भी ले, हम साहब देखिए मुझे बाइक्स के नाम भी अब आते हैं, और अल्लाह ऐसी हज़ार बाइकों का मालिक है हम साहब, अल्लाह आपको बनाए। क्योंकि ये तो बस एक छोटी सी ट्रिप थी, इंशाल्लाह ऑब्वियसली ट्रैवलिंग के लिए हम लोगों ने बहुत कुछ प्लान किया था लेकिन अभी कर नहीं पा रहे, वो वजह बट नॉट लीस्ट आई वुड लाइक टू से, अगर आपके पास इतना अच्छा माशाल्लाह पार्टनर हो ना, तो यू कैन डू एनी थिंग, यू कैन अचीव एनी थिंग इन लाइफ। सो येस आई एम ब्लेस्ड, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और अलहमदिल्ला माशाल्लाह जरूर कहना आपने वीडियो में, और इतना अच्छा पार्टनर होना आपके पास लाइफ में, यू कैन डू, यू कैन अचीव एंड यू कैन फुलफिल योर ड्रीम व्हाट यू विश फॉर एनी टाइम एनी थिंग इन योर लाइफ। सो येस सबकी एक और भी चीज़ लाइन अप में, अल्लाह को भी सबको दे, क्योंकि वो मेरी भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है साथ साथ साथ। वो चीज़ आएगी ना, अच्छा, वो अगर आएगी तो लोगों को ना जिस कंट्री का आप कहेंगे ना कि हमें उसके ब्लॉग्स लेकर, तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ ऑन द रिकॉर्ड कि मैं एम सब वहाँ पर लेके जाऊँगी। तो यस दुआ में याद रखिएगा, तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग में, तब तक आपका और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें। ईमान अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।